हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक DIY एक्टिविटी है जिसमें मैं हॉट एयर बलून हैंगिंग डेकोर बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का एक सर्कुलर पीस कट किया है। इसे फिनिशिंग देने के लिए हम इसके ऊपर एक दूसरा पेपर रैप कर देंगे। इसके लिए पेपर को मैंने सर्कुलर कार्डबोर्ड पीस से थोड़ी बड़ी साइज में कट कर लिया है और उसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर बचा है उसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि वो इजीली फोल्ड हो जाए। और इस तरह से चिपका देंगे। अब हम दूसरे पेपर पे हॉट एयर बलून का शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसे कट कर लेंगे। इसी तरह मैंने डिफरेंट कलर के पेपर्स पे ये शेप ड्रॉ करके कट कर लिए हैं। मैंने टोटल 8 कलर्स यूज किए हैं। अब सभी पीस को हम सेंटर में से हाफ फोल्ड कर देंगे। अब एक फोल्डेड पीस लेंगे, उस पर हम ग्लू से दूसरे वाले फोल्डेड पीस को पेस्ट कर देंगे। इस तरह से। बाकी के पीसेस को भी हमें इसी तरह पेस्ट करना है। यहाँ हमारे सारे पीस पेस्ट हो गए हैं। जो ओपन एंड है अभी उसे हम क्लोज नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रख देंगे। अब हम इसके लिए बास्केट तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 3x3 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस कट कर लिया है। स्क्वायर पीस पर हम 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मार्क कर लेंगे सभी तरफ से। अपोजिट साइड्स को सीधी लाइन से जॉइन कर देंगे। इस तरह से। अब हमें दोनों साइड पे 1-1 सेंटीमीटर का कट लगाना है इस प्रकार, और उसे स्केल की हेल्प से अंदर फोल्ड कर लेना है। कट साइड्स को ओवरलैपिंग करते हुए हम थ्रेड बीच में डालकर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। और देखिए ये बास्केट का शेप तैयार हो जाएगा। अब हम हॉट एयर बलून लेंगे और उसके ओपन एंड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ ग्लू लगा देंगे। अब हमने जो बास्केट बनाई थी उसे इस तरह से सावधानी से पकड़कर हम इस पे अटैच कर देंगे। बास्केट में एक थ्रेड लंबा और एक छोटा लगाया था। जो लंबा वाला थ्रेड है उसे हमें पूरी ऊपर तक ले जाना है। इसी से हम हॉट एयर बलून को हैंग करेंगे।
अब ये जो दोनों ओपन साइड्स हैं, हम इसे भी ग्लू की हेल्प से पेस्ट करके क्लोज कर देंगे। एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए हमारा हॉट एयर बलून रेडी है। इसी तरह हम बाकी के हॉट एयर बलून्स भी बना लेंगे। यहाँ मेरे बाकी के हॉट एयर बलून्स रेडी हैं। अब हम इन्हें हैंग करेंगे। मैंने टोटल 8 हॉट एयर बलून्स बनाए हैं, इसलिए कार्डबोर्ड के सर्कुलर पीस को मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और 8 इक्वल लोकेशंस मार्क कर लेंगे। अब थ्रेड को निडल में डालेंगे और निडल की हेल्प से हम इसे कार्डबोर्ड पीस पर अटैच कर लेंगे। ऊपर की तरफ हम गठान लगाते जाएंगे। अभी हम रफली सारे हॉट एयर बलून्स को अटैच कर देंगे और सभी थ्रेड की लेंथ हम बाद में एडजस्ट करेंगे। यहाँ हमारे सारे हॉट एयर बलून अटैच हो चुके हैं। अब हम इनकी हाइट एडजस्ट कर लेंगे। मैंने सभी हॉट एयर बलून्स की हाइट एडजस्ट करके और जो भी एक्स्ट्रा धागा था उसे ऊपर एक साथ बांध लिया है। अब हम इस ओपन सरफेस को भी पेपर से कवर कर लेंगे। यहाँ मैंने पहले से ही बादलों के शेप में कुछ पेपर्स को कट करके रखा है। अब हम इन्हें भी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा DIY कंप्लीट हो गया है और एक ब्यूटीफुल हैंगिंग डेकोर तैयार हो गया है। आने वाले फेस्टिव सीजन में इससे आप अपने घर को डेकोरेट कीजिए और घर को एक नया लुक दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।